पायल मेरी चारो जगाती है, तुमको बुलाती है, ओए 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 मैं क्या करूं। Well, I guess it would be nice. Hey guys, hello and welcome to another episode of Plagiarism in Bollywood Music. Okay, तो नया साल है, नया एपिसोड है, नया रेजोल्यूशन है। भाई रेजोल्यूशन यही है कि हफ्ते में एटलीस्ट एक वीडियो तो अपलोड करनी ही है, तो एक वीडियो तो मिनिमम आएगी ही। आई नो अपना रीच फिलहाल कम हो गया है, क्यों ना हो भाई, इतना बड़ा ब्रेक जो लिया था, बट धीरे धीरे वो भी शॉर्ट हो जाएगा। अब आते हैं एपिसोड्स की ओर। नया साल है, नया एपिसोड है, पर गाने वही पुराने हैं। नए नए भी आएंगे, बट पुराने कवर करने भी जरूरी है, राइट? तो आज के एपिसोड में हम सुनेंगे म्यूजिक डायरेक्टर डुओ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के ढापोफाइड गाने और बोनस डक्स देखे बिना मत जाना। ओके, सो हम मूवी का एक दूसरे से करते हैं प्यार हम काफी इंस्पायर्ड है मोरी कांतेज इंशाल्लाह से। सिर्फ स्टार्टिंग वाला पोर्शन ना, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। तो इंसान फिल्म का साथिया, तू मेरे सपनों के मीत है, ढापा गया है ब्रदरहुड ऑफ मैन के एंजेलो गाने से। साथिया तू मेरे सपनों का मीत है, तू मेरे होठों का गीत है, अपनी जन्मों की प्रीत है। Long ago, high on a mountain in Mexico, lived a young shepherd boy, Angelo, who met a young girl. तो अभी अगर वाइब्स की बातें करेंगे तो राम बलराम मूवी का एक रास्ता आहा आहा काफी वाइब्स देता है, केसी एंड सनशाइन बैंड के दैट्स द वे आई लाइक इट से सुनो। एक रास्ता आहा आहा ओ राही, आहा आहा एक रास्ता आहा आहा ओ राही, आहा आहा एक अब इसी मूवी का और एक गाना है यार की खबर मिल गई, काफी वाइब्स देता है कुंग फू फाइटिंग से। गाना कुंग फू फाइटिंग से। अब ऐसे ही आते हैं दूसरी मूवी के पास, जुदाई, 1980 वाली, 97 वाली नहीं है, उसके भी दो गाने सुन ही लो। तेरे नाम के हम दीवाने हैं, ये तेरे प्यार के दिल सुहाने हैं। ओके, अभी तक कर्ज मूवी की वो ट्यून ऑब्वियसली सबको पता चल ही चुकी होगी जो ढापोफाइड है। आई मीन जहां तक मुझे याद है हमने दो एपिसोड में ये कवर किया था। फ्रॉम द मूवी कर्ज, वही गाना कॉपीड है फ्रॉम 1978 रिलीज्ड वी एज लव बाय जॉर्ज बेंसन।
बट ये बात जरूर बताना भूल गया था कि भाई गाना तो ढापोफाइड है ही, बट मूवी भी ढापोफाइड है. द री इंकारनेशन ऑफ पीटर प्राउड जो 1975 में आई थी, उधर से ही उठाई है ये कर्ज. यू हैव ओनली वन लाइफ टू लिव, और डू यू? Marcia, I didn't mean what I said back there. That voice must belong to the man that I was. I didn't know what I was saying. I must be the man playing tennis in those dreams, driving that car, swimming in that lake. Now you're telling me you've been reincarnated. Suppose you knew who you had been in a previous life. What is this, some kind of a joke or something? You've signed the name of the deceased, Jeffrey Curtis. Where you had lived. Mrs. Curtis, the old lady who lives here. She's been away for years. Whom you had loved. That was my husband, Jeff. He died a long time ago. I know. Story of a man's obsessive search for a prior existence. I know I've been here before. Jeff, she thinks you're her son. कहते हैं इंसान की मरते वक्त वो इच्छा अगर अधूरी रह जाए तो उसकी पूर्ति अगले जन्म में अवश्य होती है. ऐसी ही कहानी है हमारे दोस्त रवि वर्मा की, जिसने माँ के प्रताप से एक बार फिर जन्म लिया किसी और जगह, किसी और रूप में, मोंटी के नाम से. इसी के साथ टाइम होता है बोनस. ओके, सो ये गाना रैदर सिमिलर गाना हमने पहले कवर किया है. सो यस, झुम्मा चुम्मा, एज यू ऑलरेडी नो, वो टाइम में दोनों गाने कंट्रोवर्सी में थे कि तम्मा तम्मा पहले आया था या झुम्मा चुम्मा पहले आया था. अब 1990-1991 में इस गाने को लेके बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी कि झुम्मा चुम्मा ने तम्मा तम्मा को कॉपी किया है या वाइस वर्सा. अब दोनों साइड की पार्टी में लफड़ा हो गया, उंगली दिखाना चालू हो गया कि भाई तूने मेरा ओरिजिनल ढापा है एंड स्टफ. और ऐसा एक इंटरव्यू है अमिताभ जी का जो डिस्क्रिप्शन में है, देख लेना. बट मोरी कांते का तामा तामा हैपन टू बी द ओरिजिनल वीडियो. मोरी कांते का और एक गाना ये के वॉज यूज इन अमिताभ बच्चन अग्निपथ एज अ बैकग्राउंड म्यूजिक. वही जो हेलीकॉप्टर शॉट और बैकग्राउंड में वो आइलैंड पे म्यूजिक बजता है, वही देखो. ऑल्सो ये के ढापा गया तेलुगु मूवी में. अब मूवी का प्रोनंसिएशन मेरे लिमिट से बाहर है तो पूछना मत, गाना सुन लेना. That's it for today, guys. If you're made till the end, make sure to leave a like
and subscribe to the channel if you haven't already subscribed. I'll see you in the next episode. Also, like karo yaar, ek like to banta hai. ये वीडियो इधर ही खत्म नहीं होता, पार्ट टू ऑफ दिस वीडियो विल बी पोस्टेड नेक्स्ट वीक, तो ट्राई करूंगा मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन देने. टिल देन बी वियर्ड, स्टे ऑसम, पीस आउट. डन डन.